नमस्कार, आप देख रहे हैं द बीएनवाई न्यूज। मैं विवेकानंद यादव। आज शनिवार है। शनिवार को रांची रिम्स अस्पताल में लालू प्रसाद यादव से मिलने विधायक गण सहित नेतागण पहुंचते हैं। आज रघुनाथपुर के विधायक शिवशंकर यादव और सलीम परवेज एवं बिरसन पटेल पहुंचे और घंटों लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करा। मुलाकात की यह प्रोसेस तीन व्यक्ति को शनिवार को जेल मैनुअल के हिसाब से मिलना पड़ता है, मिलने की अनुमति है। आज तीन व्यक्ति मिलने गए और मिलकर लौटे और उन्होंने जो बातें कही वह बात आप स्विंग सुन लें। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम आए हुए थे, तो गए थे हम, उनका हालचाल पूछा और तबीयत खराब रहते हुए भी जो देश में जो अभी हिंदू मुस्लिम और एनआरसी वगैरह एनपीआर का जो झंझट चल रहा है उससे थोड़ा चिंतित यानी मन उनका हमने देखा चिंतित, तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल आदमी है, बात करने में उनको कठिनाई है, बात नहीं कर रहे थे लेकिन चिंता उनकी थी। और वैसे बीमारी के बारे में वो थोड़ा भीतर से हैं भी, घबराए हुए, कुछ बोर्ड वगैरह का गठन वगैरह की बात हो रही है कि उनको यहाँ रखा जाए कि बाहर ले जाया जाए। बाकी और सब तो क्या बोले, वो जाना चाह रहे हैं बाहर? नहीं नहीं, वो जाने अपना कोई उन्होंने नहीं दिया, उनका यही है कि अभी लोग क्या तय करता है उस पर। अच्छा, ध्यान उस तरफ उस तरफ। ये जातीय जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा में जो चर्चा हुई है ये तो कोई नई बात है नहीं, तो पुरानी बात है। और सवाल है कि जातीय जनगणना पूरे देश में ये सवाल उठ रहा है कि जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी मिल जाए, उसको उसका हक मिल जाए, इसलिए वो लोग कोशिश कर रहा है कि पीछे लोग क्यों पीछे भाग रहे हैं, लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? भाई सवाल है कि लोग अपनी स्थिति समझते हैं कि अगर जातीय जनगणना हो गई तो जितना हम दावा कर रहे हैं वो दावा हमारा फेल हो जाएगा, और जिनको नहीं मिल रहा है, जो जातिगत आधार पर जिनकी संख्या बहुत है उनको ज्यादा मिलना चाहिए, उनको ज्यादा मिल जाएगा, इसीलिए वो लोग चिंतित हैं। कौन लोग हैं भाई सर? अब इस वक्त समझा थोड़ा, तू हो सब समझा। नीतीश जी का जो यू टर्न है, नीतीश जी दोनों मुद्दे पे यू टर्न ले रहे हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं क्या? कैमरा मोबाइल वाला हटा दिया। जो नागरिकता संशोधन कानून बना, सीए बना, तो उसमें संविधान का उल्लंघन है। सीए भाई वर्तमान में जो कानून बनाया है, संविधान कहता है कि समता के आधार पर हम नागरिकता देंगे, और सीएए कहता है कि धर्म के आधार पर हम नागरिकता देंगे। तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर चोट है। तो नीतीश कुमार जी ने अभी एनआरसी और एनपीआर के बारे में विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया कि यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन जो खतरा था जी धर्म के आधार पर नागरिकता देने का, उस पर उन्होंने हाथ उठा दिया और सपोर्ट किया, और इधर विरोध कर रहे हैं। तो हमको उनकी नीति समझ में नहीं आ रही है, वैसे उनके ऐसी नीतियों से उनकी विश्वसनीयता। मुलाकात हुई सर आपकी? हाँ हाँ, अभी अब सरकार है। बताइए क्या ऐसा स्वास्थ्य है? अच्छा स्वास्थ्य है, हमारा देखने में ठीक है, बाकी उतना ठीक नहीं है। हमको पता लगा कि उनका तबीयत बहुत खराब है तो हम मिलने के लिए चल आए, बाकी देखने में उतना ठीक नहीं लग रहा है। हम तो पूछे हैं तो कहे कि अभी तो हम कुछ ठीक ठाक है, बाकी बढ़िया नहीं है, बस यही बात हुआ। बिहार की राजनीति पर भी चर्चा हुई क्या वहाँ पे? कुछ चर्चा नहीं हुई, तबीयत खराब है, क्या चर्चा करना है राजनीति? उतना खराब भी नहीं है, फिर भी शेर है ना सर, कुछ तो बोलबे क्यों होंगे।
सिर्फ तबियत खराब होता है, निर्देश कर देंगे बेचारे का तबियत खराब है जेल में है, वो का निर्देश कुछ बोले होंगे ना कि जाइए तैयारी कीजिए चुनाव का है। अरे कहेंगे तब हम लोग तैयारी करेंगे, तैयारी तो जो है जहाँ करिए रहा है तैयारी। अच्छा एक अलग सवाल है कि नीतीश कुमार ने जो एनआरसी सीए वगैरह की बातें हो रही हैं उस पर एक समर्थन किया है वहाँ ये समर्थन किया नीतीश कुमार जी थोड़ा सा और तब किया है दबाव हम लोग का दिमाग था वो लोग दो गो बात को मान लिए जातीय जनगणना और वो दोनों हम लोग दबाव दिए हालांकि ये तो मान गए बस यही बात है। नजदीकी बढ़ रही है क्या आप लोगों की? नजदीकी के बारे में हम नहीं जानते हैं, नजदीकी बढ़ रही है कि क्या हो ये सब पूरा हमें पता नहीं है। कभी कुछ हो सकता है क्या बतावे? कुछ हो सकता है ना? अरे कभी किसको साथ का हो सकता है, किधर से किधर जा सकता है कोई पता है? हम लोग के साथ सरकार बनाए, लोग वोट दिया आ पलटी मार के चल गए उधर, तो इसको कोई ठिकाना है कि कब किधर